गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं, आज है संडे और संडे का दिन है और आप लोग मेरा संडे को मोटिवेशनल सारी देखते हैं। लेकिन चूंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन अपने दीदी के यहाँ चल गया था, इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन, जहां मैं देता हूं बेहतरीन नॉलेज। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। चूँकि आज रक्षाबंधन है तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डायलॉग बना के लाया हूँ रक्षाबंधन से संबंधित। जो पहला डायलॉग इस प्रकार है, राखी है अनमोल इसका नहीं है मोल, राखी है अनमोल इसका नहीं है मोल, बहन को दे प्यार अपार, पैसे से न इसको तोल। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये पहला शायरी? और उम्मीद करते हैं मेरा शायरी तो वैसे सब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसे कैसे पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का दूसरा शायरी बोलता हूँ। और दूसरा शायरी इस प्रकार है, बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार, बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार, रिश्ता बने रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियों हजार। तो दोस्तों आप लोग ये बताएंगे कि आज का शायरी कौन सा शायरी आपको बेस्ट लगा। और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुश रहें, अपने माँ बाप से प्रेम करें, अपने भाई बहन से प्रेम करें और देखते रहे मेरा चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। और इसी के साथ तीसरे शायरी की ओर बढ़ते हैं। अब हर भाई के हाथ पे होगा रंग बिरंगा रेशम का तार, भाई बहन के प्यार बढ़ाने आया राखी का त्यौहार। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है कि सारा शायरी बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और अच्छा लगा होगा और आप अपने जीवन में इस शायरी को अपने जीवन में उतारेंगे। और इसी के साथ आज का अंतिम और चौथा शायरी, लड़ना झगड़ना और मना लेना यही है भाई बहन का प्यार, इसी प्यार को बढ़ाने आ गया है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आज का शायरी आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज का दिन आप लोग के लिए कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ आज मैं बहुत सारे चीज़ बोलने के लिए आया हूँ। आज आप लोग के समक्ष मैं देखिए फेस टू फेस आया हूँ। आप लोग पहचान ही होंगे मेरा फेस, विक्रम पंडित, जो कि हम लोग मैं अपने आप को शॉर्ट में बीडी लिखता हूँ। और बीडी का मतलब आप लोग सोचते रहिए, ठीक है, ये सीक्रेट बात है, आप लोग सोचते रहिए। जिस दिन आप लोग बता दीजिएगा वो आपका बेस्ट चीज़ होगा। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं मेरे खेत की ओर। देखिए इधर खेत का नज़ारा बहुत ही हरा भरा, और जब भी फुर्सत मिलता है मैं इस खेत में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आनंद लगता है क्योंकि यहाँ पे हवा शुद्ध मिलता है। और अगर आप खेत तरफ गए होंगे या आप सिटी से बिलोंग करते हैं, जो शहर में रहते हैं, तो आइए गाँव में एक बार रह के देखिए, आपको इतना मज़ा आएगा, कभी गाँव से दूर जाने का मन नहीं करेगा। और बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापसी करूँगा और आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो मेरे चैनल से बने रहिएगा और आनंद उठाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मस्त चुस्त और खुश रहिएगा।